फिर आप जब नेक्स्ट डे उठते हो तो उठते से फर्स्ट काम कीजिए, आप रेडी वगैरह होके स्नो पार्क चले जाइए। वंडरलैंड करके स्नो पार्क है अहमदाबाद में, मतलब खेलने का भी बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पे कुछ एडवेंचर राइड्स है, बहुत एक है कि पानी में सा बड़े सारे बलून में आपको डाल के, मतलब बबल में आपको पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है। अच्छे अच्छे एडवेंचर राइड्स है वहाँ पे, मतलब वाटर बॉल करके, वाटर स्प्लैश बॉल समथिंग ऐसा नाम है उसका, फैंसी राइड्स है, कीजिए वो एंजॉय कीजिए। बाद में वहाँ पर एक स्नो पार्क है, एक घंटे का ड्यूरेशन होता है, मतलब आपको चेंज करके और फिर 15 मिनट थोड़े ठंडे एनवायरमेंट में रख के फिर स्नो में छोड़ा जाता है। आधा घंटा आप खेलिए, फिर थोड़े से बाहर आइए और फिर बाहर निकलिए, तो ऐसे ही पूरा एक घंटे का ड्यूरेशन होता है। अमेजिंग एक्सपीरियंस, मतलब यार नो सच वर्ड्स उसके लिए, मज़ा आ गया था। प्लेस इज ग्रेट, ब्यूटीफुल, आई एंजॉयड लॉट। फिर वहाँ से निकल के आप अहमदाबाद में खाना खाइए, और अहमदाबाद में खाना खाएंगे तो एक प्रो टिप कि अगर आप खाना खाओ गुजरात में तो गो एंड हैव अ काठियावाड़ी फूड। मतलब अगर आप गुजरात गए हो तो काठियावाड़ी फूड खाना मैंडेटरी है। उंधियू और बहुत सारी ऐसे स्पेशल काठियावाड़ी डिशेज है, जाके सब ट्राई कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। थैंक मी लेटर फॉर दैट। बाकी चाइनीज और ये पंजाबी हम सब खाते रहते हैं, स्टॉप दीजिए, जस्ट ट्राई ना काठियावाड़ी, अमेजिंग स्टाइल। फिर खाना वाना खाने के बाद में थोड़ा सा आपको अगर सिटी में घूमना है तो आप घूम सकते हो, बहुत अच्छा सिटी है घूमने के लिए भी। एंड इन इवनिंग टाइम आप जाओ काकड़िया तालाब, अमेजिंग प्लेस। मतलब अगर आप, वो एक फैक्ट बता दो बागा कि अगर आप काकड़िया तालाब अगर गूगल मैप से ओपन करके जूम करके देखोगे ना तो आपको लगेगा SBI का लोगो है, ऐसा दिखता हो काकड़िया तालाब गूगल मैप से। यार रियली काकड़िया तालाब जाइए, वहाँ पे एंजॉय वगैरह कीजिए, बहुत अच्छा है। वहाँ पे खाने पीने के स्ट्रीट फूड स्टॉल्स है, काकड़िया तालाब पे बहुत लाजवाब है, मजा आएगा आपको। हैव देयर गोला, मस्त गोला मिलता है वहाँ पे, सब एंजॉय कीजिए। फिर आप वो नाइट में अहमदाबाद से निकलिए और गांधीनगर पहुँचिए, आपको 40 मिनट लगते हैं गांधीनगर पहुँचने में, पास में ही है, मतलब नियर बहुत पास में है। 40 मिनट्स अब विद इन ट्रैफिक आप 40 मिनट्स में गांधीनगर पहुँचते। तो फिर आप गांधीनगर पहुँचे, रात को गांधीनगर में जाके आप सोइएगा नहीं, वहाँ पे अच्छे अच्छे मॉल्स है घूमने के लिए, रात को नाइट प्लेसेस है, आप जाइए घूमिए। शॉपिंग करना तो रात को सेम डे अगर आप थके ना हो तो कर लीजिए, और नहीं तो आप जाके रेस्ट कर ही सकते हो। मॉर्निंग में उठते से आपको फर्स्ट प्लेस विजिट करनी है, अक्षरधाम गांधीनगर, ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल, मतलब स्पीचलेस फॉर इट। वहाँ का अक्षरधाम आप देखोगे, दिल्ली का तो लेवल ही नहीं है भाई, दिल्ली का तो कोई लेवल मैच ही नहीं कर सकता, बट गांधीनगर का अक्षरधाम बहुत सही है, तो गांधीनगर के अक्षरधाम को आप विजिट दीजिए, यू विल एंजॉय। फिर गांधीनगर के अक्षरधाम से निकल के आप जाइएगा इंदौरा नेचर पार्क, बहुत सही जगह है, बच्चे अगर आपके साथ में हो तो उनके खेलने के लिए तो उससे बेटर प्लेस, मतलब टूर में है बट इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर किड्स, और अच्छी प्लेस। अगर आप भी जाओ तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, किसी बच्चों जाना चाहिए, आप जाके बहुत अच्छी अच्छी फोटोज ले सकते हो वहाँ पे, नेचर पार्क के देख सकते हो, घूम सकते हो। फोटोज के लिए गुजरात प्यार है, तो फोटोज वगैरह क्लिक कर दिए, नेचर पार्क घूमिए, आधा 2 घंटे आप स्पेंड कर सकते हो। वहाँ से निकल के आप जाइएगा डांडी कुरुति मोमेंटो, सॉल्ट माउंट, बहुत सही जगह बनाया हुआ है गांधीनगर में, मतलब रिवर के पास में है, वहाँ पे सॉल्ट का ऐसा माउंटेन टाइप बनाया हुआ है जो दांडी मार्च किया था गांधी जी ने, उसके ट्रिब्यूट में, गुड प्लेस टू विजिट। वो सब ये सब खत्म करने तक तो डांडी कुरुति करते हो आप, तब तक आपको 4:30 हो जाएंगे। तो अगेन आप गांधीनगर में अगर आपको कुछ और घूमना है, जैसे मॉल, सिटी सेंटर मॉल वगैरह बहुत अच्छा है गांधीनगर में, शॉपिंग करनी है आप शॉपिंग कर सकते हो, आखिरकार कैपिटल है हमारा गुजरात का। और वहाँ से सेम डे रात को निकलिए और मेहसाना जाके मेहसाना हॉल्ट कीजिए, मैंने किया था। फिर नेक्स्ट डे हमने पूरा मेहसाना वाटर पार्क एंजॉय किया 5 o'clock तक, और फिर हम 5 o'clock मेहसाना से निकले और डायरेक्टली सूरत पहुँचे। मेहसाना से सूरत पहुँचने में हमें 6 घंटे लगे थे, लॉन्ग जर्नी, बट पूछते भी 12 बजे तक, रात को 12:30 तक मैं सूरत पहुंच गया था। बट मैं आपको एक एडवाइस देता हूं, अगर आपको वाटर पार्क ही जाना है, मेहसाना ना जाते हुए आप बैक टू सूरत आ जाओ, आप 4-4.5 घंटे में सूरत पहुंच जाओगे। सूरत वापस जाने का एक मतलब ये है कि सूरत में मेहसाना से बेटर वाटर पार्क है, और सूरत में आप और भी घूम सकते हो। सूरत में 2 सबसे बेस्ट वाटर पार्क है, एक हजीरा वाला छप, और एक सूरत में सिटी में अमेजिया करके, 2 बेस्ट वाटर पार्क सूरत के। आप सूरत में वाटर पार्क घूमते हो, 5:30 का वाटर पार्क घूमिए, और 6-7 बजे के आसपास आप बीच जा सकते हो, डुमस बीच, अमेजिंग, मज़ा आ जाएगा आपको। और नहीं तो आप दांडी भी जा सकते हो, इट्स अगेन गुड प्लेस। दांडी पे हम फिर कभी वीडियो बनाएंगे, दांडी की पूरी स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो डालेंगे यार, प्लेस प्यार है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले ब्लॉग में, अभी के लिए हम अलविदा लेते हैं, आप घूमिए सपनों में यार, अभी तो घर में बैठा लॉकडाउन चल रहा है, मिलते हैं, बाय। ज़बरदस्त गर्मी है बॉस आज तो, स्वेटिंग लाइक हेल।